दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली की आबो हवा ख़राब हो चली है और राजधानी दिल्ली का जो औसतन AQI है वो तकरीबन 250 से ऊपर पहुंच चुका है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें और सबसे ज़्यादा जो अधिक प्रदूषित इलाका है वो मुंडका का है, क्योंकि मुंडका एक ये कहें कि इंडस्ट्रियल इलाका है, भीड़भाड़ वाली जगह है और वहाँ पर अमूमन इस तरह का AQI पाया जाता है। तो वहीं नरेला, आनंद विहार, बवाना, आया नगर, जहांगीरपुरी, इन सब इलाकों में जो AQI है वो 300 के पार पहुंच चुका है। 268 के करीब AQI अलग अलग जगहों पे पाया जा रहा है। दिवाली से एक दिन पहले का ये पॉल्यूशन है। तो दिवाली के बाद जब आतिशबाजी होती है तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये प्रदूषण का स्तर और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। प्रदूषण को लेकर सुबह शाम लोगों को तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन फ़िलहाल चूँकि दोपहर को धूप निकलती है तो ऐसे में दोपहर के समय प्रदूषण से राहत ज़रूर मिलती है। लेकिन फिर भी ये हवा जो है दिल्ली NCR की लगातार जहरीली होती जा रही है। अमूमन हर साल सर्दियों के मौसम में इस तरह की परेशानी दिल्ली NCR के लोगों को झेलनी पड़ती है। तमाम तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, तमाम तरह की बैठकें होती हैं, तमाम तरह के कानून नियम निकाले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इस प्रदूषण से राहत नहीं मिलती है। संभावना है कि दिवाली के बाद ये प्रदूषण का स्तर और ज़्यादा बढ़ सकता है और लोगों के सेहत के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली की आबो हवा ख़राब हो चली है और राजधानी दिल्ली का जो औसतन AQI है वो तकरीबन 250 से ऊपर पहुँच चुका है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें और सबसे ज़्यादा जो अधिक प्रदूषित इलाका है वो मुंडका का है, क्योंकि मुंडका एक ये कहें कि इंडस्ट्रियल इलाका है, भीड़भाड़ वाली जगह है और वहाँ पे अमूमन इस तरह का AQI पाया जाता है। तो वहीं नरेला, आनंद विहार, बवाना, आया नगर, जहांगीरपुरी, इन सब इलाकों में जो AQI है वो 300 के पार पहुँच चुका है। 268 के करीब AQI अलग अलग जगहों पे पाया जा रहा है। दिवाली से एक दिन पहले का ये पॉल्यूशन है। तो दिवाली के बाद जब आतिशबाजी होती है तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये प्रदूषण का स्तर और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। प्रदूषण को लेकर सुबह शाम लोगों को तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन फ़िलहाल चूँकि दोपहर को धूप निकलती है तो ऐसे में दोपहर के समय प्रदूषण से राहत ज़रूर मिलती है। लेकिन फिर भी ये हवा जो है दिल्ली NCR की लगातार जहरीली होती जा रही है। अमूमन हर साल सर्दियों के मौसम में इस तरह की परेशानी दिल्ली NCR के लोगों को झेलनी पड़ती है। तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं, तमाम तरह की बैठकें होती हैं, तमाम तरह के कानून नियम निकाले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इस प्रदूषण से राहत नहीं मिलती है। संभावना है कि दिवाली के बाद ये प्रदूषण का स्तर और ज़्यादा बढ़ सकता है और लोगों के सेहत के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।